भारत का सिलिकॉन वैली कहे जाने वाला बेंगलुरु शहर जो दुनिया भर में अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए फेमस है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बेंगलुरु शहर इस वक्त पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज जहां फ्लैट्स की कीमतें करोड़ों में है, वहां के लोग एक मग्गा पानी के लिए तरस रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग मुंह धोने के लिए पानी नहीं बल्कि वेट वाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, यहाँ तक कि पीने के लिए भी पानी नहीं है। और ये सब हो रहा है 35 डिग्री की गर्मी में। जो बेंगलुरु अपने मौसम के लिए जाना जाता रहा है, मॉडर्नाइजेशन के लिए जाना जाता रहा है, वहाँ नहाने के लिए तो दूर, पीने तक के लिए पानी नहीं है। क्या अमीर क्या गरीब, लाखों का पैकेज कमाने वाले और कुछ हजार कमाने वाले सबके सब एक ही लाइन में खड़े हैं, क्योंकि पानी है ही नहीं। क्या बेंगलुरु की ये दुर्दशा अचानक इसी साल हुई है? क्या इससे पहले किसी एक्टिविस्ट, किसी सरकार को ये पता ही नहीं था? या यूं कहें कि पता सबको था, लेकिन क्योंकि अब बंगले में रहने वाले लोगों को भी पानी पहुंचाना बंद हो गया है, इसलिए ये खबर बन चुकी है, इसलिए ये इंटरनेट पर कीवर्ड है। आज हम समझेंगे कि भारत के सबसे मॉडर्न शहर का ऐसा हाल कैसे हुआ। बेंगलुरु की जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है। यहाँ पानी का कंजम्पशन करीब 2600 से 2800 एमएलडी यानी मिलियन लीटर पर डे है, और यहाँ 1500 एमएलडी की कमी पर डे के हिसाब से लोग फेस कर रहे हैं। बेंगलुरु की इतनी बुरी हालत एक दिन में नहीं हुई है। शहर जिस स्पीड से बढ़ा, उसमें किसी ने नेचर साइकिल के बारे में नहीं सोचा। यहाँ अधिकांश पानी का सोर्स है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ेगा? जब बारिश होगी। बारिश हुई, उसके बाद पानी जमीन के अंदर तक जाएगा, जब ज्यादा से ज्यादा खाली लैंड होगा तभी, या यूं कहें कि फॉरेस्ट लैंड होगा, पेड़ होंगे। लेकिन इस मॉडर्न बेंगलुरु में दूर दूर तक आपको कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। टेक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं बिना सोचे कि पानी कहाँ से आएगा। मई 2023 में बेंगलुरु की विनाशकारी बाढ़ के बाद यहां पाया गया कि जिन एरियाज में भारी बाढ़ आई, वो झीलों या वाटर चैनल्स पर बने थे। जब सामान्य से थोड़ी भी ज्यादा बारिश होती है तो एक्स्ट्रा पानी घरों के अंदर, पुलों के नीचे या सड़कों पर भरने के अलावा कहीं और नहीं जाता है। बेंगलुरु में एनुअल रेनफॉल 900 मिलीमीटर की होती है, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जमीन में जाने की बजाय ड्रेन्स में ही बह जाता है। बेंगलुरु में हालात इतने खराब हैं कि BWSSB यानी कि बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने 5000 का फाइन लगाया है अगर कोई पीने का पानी को बर्बाद करता हुआ या उससे कार धोता हुआ पाया जाता है या कुछ और एक्टिविटीज में इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है। 2007 से अब तक बेंगलुरु के आसपास के करीब 110 गांवों को बेंगलुरु में जोड़ा गया है और शहर का हिस्सा बनाया गया है। इन नई रिहायशी कॉलोनियों में पानी कहाँ से आता था? पाइप्स नहीं बल्कि बोरवेल से ग्राउंड वाटर का ही इस्तेमाल किया गया, और अब इसी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और नीचे चला गया। IISc बेंगलुरु की रिपोर्ट ने बताया है कि करीब 79% वाटर बॉडीज का लॉस बेंगलुरु ने पिछले 40 सालों में झेला है। एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि बेंगलुरु का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके चारों तरफ आर्टिफिशियल मैनमेड झीलें यानी कि लेक्स बनाई गई। उनमें से ज्यादातर सूख चुकी हैं या कईयों का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनाने के लिए सुखा दिया गया है। 1961 में बेंगलुरु के पास करीब 263 झीलें थी और अब कितनी है? सिर्फ 81। इनमें से केवल 33 को जीवित यानी अलाइव के रूप में पहचाना जाता है, बाकी को शहरी फैलाव के भेंट चढ़ा दिया गया है। इनमें भी ज्यादातर कूड़े कचड़े का डंप बनकर रह गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc के TV रामचंद्रा ने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 1970 में बेंगलुरु में करीब 68% ग्रीन कवर था, लेकिन 2023-24 में आते आते ये कवर सिर्फ और सिर्फ 3-4% का ही बचा है। IISc के मुताबिक करीब आधा बेंगलुरु ग्राउंड वाटर पर अपनी रोजाना की जरूरतों के लिए डिपेंड है। लोगों ने धड़ल्ले से बोरवेल के पानी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अब ग्राउंड वाटर पूरी तरह सूख चुका है। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा है, सभी बोरवेलों में से लगभग 3000 सूखे हैं। प्रॉपर बारिश ना होने की वजह से कावेरी नदी में भी पानी के स्तर में खासा गिरावट आई है। वैसे बेंगलुरु किसी समुद्री किनारे पर तो है नहीं, वो पानी के लिए या तो ग्राउंड वाटर पर निर्भर है या कावेरी नदी पर।
भारत मौसम विज्ञान विभाग कम बारिश के लिए अल नीनो प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया है। पहले जिस 1000 लीटर पानी के टैंकर की कीमत बेंगलुरु में 600 से 800 रुपए के बीच थी, वो अब 2000 रुपए से ज्यादा हो गई है। इसने कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की याद दिला दी है। उस वक्त अचानक हजारों रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बिकने लगे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थे। बेंगलुरु में ऐसी स्थिति से लोग परेशान हैं और ऐसा ही लोग वहां फेस कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गरीब लोग परेशान हैं। अमीर तो फिर भी थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके पानी का इंतजाम कर ही लेंगे, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की ओर ताकते रह जाएंगे। बहरहाल बेंगलुरु की जो ये समस्या है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।